हम आज डिटरमाइन करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी, बिटुमन की। बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करने के लिए हम टिप्टोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप इसमें कॉनिकल फ्लास्कर जैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो टिप्टोमीटर है इसके खाली का मास लेना है। ठीक है, जब इसका ब्लैंक है उसमें बेसिक ग्लास में इसका मास लेंगे तो 726 ग्राम, नोट कर लेंगे कॉपी के अंदर। ठीक है, तो जो मास आया एम्प्टी टिप्टोमीटर का वो 726 ग्राम आया। अब हम इसको ओपन करेंगे, इसको पानी से भरेंगे। अब पानी के साथ जो इसका मास आया हुआ है 1608 ग्राम, 1608 ग्राम। ठीक है, अब हमें इसके पानी को निकालना है, इसके अंदर क्या फिल करना है, बिटुमन फिल करना है। ठीक है, हाफ तक फिर इसका मास करना है और फिर जितना हाफ तक बिटुमन है उसके अंदर फिर से पानी फिल करना है, यहाँ तक पूरा फिर उसका मास करना है। टोटल चार मास हमें इसके अंदर निकालना है। अब इसके अंदर बिटुमन को वाटर सेक में इसके अंदर भरेंगे, पानी को इसमें से निकालेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर विद वाटर लेंगे, लास्ट मास चौथा मास चाहिए। लास्ट मास 1587 ग्राम। अब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। ठीक है, हमने कल जो अपने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा किया था हमने, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन, जिसमें हमने पिक्नोमीटर का इस्तेमाल किया था, उसकी अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हमने टोटल चार वेट निकाले थे। सबसे पहला वेट था खाली पिक्नोमीटर का वेट, वो हमारे पास आया था 726 ग्राम। फिर मैंने पिक्नोमीटर के अंदर पानी भर दिया था पूरा ऊपर तक, तो हमारे पास वेट निकला था विद वॉटर 1608 ग्राम। उसके बाद मैंने पानी निकाल दिया उसके अंदर और उसको हाफ तक बिटुमन से भरा मोल्टन स्टेट में पिक्नोमीटर को, तो पिक्नोमीटर प्लस हाफ फिल्ड बिटुमन पिक्नोमीटर, यहाँ पे बिटुमन के साथ जब दिया था 973 ग्राम, ये बिटुमन है पर आधा भरा हुआ है। फिर उसके बाद जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसके अंदर पानी भरा, तो वो पिक्नोमीटर में क्या रहेगा, आधा बिटुमन और आधा पानी, तो मास जो निकाला वो कितना है 1587 ग्राम। टोटल चार वैल्यूज आए। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के मास का डिफरेंस करके हम उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, जिसका ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सी माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए माइनस डी माइनस ए। इसका मतलब क्या है, सी माइनस ए का मतलब यहाँ पे हमारे पास बिटुमन है और ये खाली पिक्नोमीटर है,
तो इसको जब माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, मास ऑफ बिटुमन, मास ऑफ बिटुमन। तेरा वाला पॉइंट सेकेंड हमारे पास यहाँ पे बी माइनस है, इट मीन्स यहाँ पे वॉटर का मास निकाल रहा है, ये पानी के साथ है और खाली बिटुमन है, ये बिना बिना खाली किलोमीटर है और ये पानी के साथ किलोमीटर है, तो माइनस करोगे तो यहां से पानी जो था उसका मास आ जाएगा। फिर माइनस डी माइनस सी, डी में मेरे पास यहाँ पे क्या था, आधा पानी भरा हुआ और आधा बिटुमन, और ये बना था आधा बिटुमन, तो जो एक्स्ट्रा हाफ फोटो आपने डाला था जब इन दोनों का डिफरेंस करोगे वो निकल जाएगा। फिर सारी वैल्यूज को यहाँ पर जब मैंने पुट करा तो हमारे पास कैलकुलेट करके स्पेसिफिक रेट पे 0.921, और जो लिमिट होती है इसकी इट लाइज बिटवीन 0.9 से लेके 1.10 के बीच में हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, तो बिटुमन हमारा यूजफुल माना जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछे। थैंक यू।